प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की क्लास में आपका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका के चयनित अंश के पदों को हमें पढ़ना है, तो हम आज रामचंद्रिका के उस प्रसंग को पढ़ेंगे जिसमें हनुमान जी सीता जी के खोज के लिए आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। उसका चित्रण केशवदास जी ने बड़े ही अलंकारिक और भव्यता से किया है। तो जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है कि व्याख्या करते समय हमें दिए गए पद या गद्यांश को एक बार पढ़ कर के यह ध्यान देना चाहिए कि भाई इसमें कौन से शब्द कठिन हैं और उन कठिन शब्दों का अर्थ हमें ढूंढना चाहिए, ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो वैसे आम दिनों में तो आप ढूंढ सकते हैं, शब्दकोश का सहारा ले सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए वहाँ आप अपनी कल्पना शक्ति से कोशिश करके स्मरण करने की कोशिश करेंगे, किंतु सामान्य स्थिति में हम उसके लिए शब्दकोश का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थ समझे बिना हम सुगमता से किसी भी पद गद्य का व्याख्या हम नहीं कर सकते। इसके बाद हम प्रसंग का को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये कहाँ से पंक्तियाँ ली गई हैं, लेखक कौन है इसके। तो ये हनुमान लंका गमन का प्रसंग है। केशवदास जी कहते हैं कि हरि कैशो वाहन की विधि कैशो हेम हंस, लीक सी लिकत नभ पाहन के अंक को, तेज के निधान राम मुद्रिका विमान कह दो, लक्ष्मण को बाँध छुटो रावण निशंक को, गिरी गज गंड ते उड़ान्य सुवरण अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंग को, हवाई सी छुटी केशवदास आसमान में, कमान कैशो गोला हनुमान चलो लंक को। तो अब इसमें हम कठिन शब्द देखें तो बहुत अधिक कठिन शब्द नहीं है, संस्कृत और हिंदी के ही शब्द हैं। अब इसमें कुछ शब्द साथ में आए हैं, जैसे गिरी गज दंड, गिरी गज गंड, तो गिरी यहाँ रूपक अलंकार एक तरह से है, पर्वत रूपी हाथी का कुंभस्थल, तो कुंभस्थल हाथी के मस्तक
के ऊपर होता है जिसमें से एक पदार्थ निकलता रहता है पसीने टाइप का, उसमें जो है तो नभ पाहन आकाश रूपी पाषाण। ये कुछ शब्द कठिन माने जा सकते हैं, बस अब प्रसंग हम वर्णन करेंगे। प्रस्तुत अवतरण केशवदास की रामचंद्रिका से लिया गया है, जो हनुमान लंका गमन प्रसंग से उद्धृत है। इसमें कवि ने हनुमान जी के लंका गमन का चित्रण किया है। सुंदर पर्वत से लंका की ओर छलांग लगा रहे हनुमान जी की शोभा को लक्ष्य कर केशवदास ने अनेक उपमान अपमाएँ हैं, तो उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया है, उपमा रूपक जैसे अलंकारों का प्रयोग उसने किया है। केशवदास जी और हनुमान जी के लंका गमन का वर्णन करते हुए कहते हैं, हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को। केशवदास जी कहना है कि विष्णु के वाहन हरि कैसो वाहन, हरि का वाहन कौन है? वरुण, गरुड़। गरुड़ की तरह तीव्र गति से विष्णु का वाहन, गरुड़ के तीव्र गति से, या यों कहें कि ब्रह्मा के वाहन, ब्रह्मा का वाहन क्या है? हंस। ब्रह्मा के वाहन सोने के हंस, स्वर्ण हंस के समान आकाश रूपी पत्थर लीक सी लिखत नभ वाहन के अंक को। तो आकाश, नभ वाहन, नभ मतलब आकाश, वाहन मतलब पत्थर, तो आकाश रूपी पत्थर पर लीक सी लिखत अंक को, तो लीक सी लिखत अंक को, तो जैसा आप जानते हैं कि सोने हेम हंस है, तो सोने के हंस जैसे सोने के लिए क्या है, कसौटी पर रगड़ते हैं तो लीक बनती है, उससे पता चलता है कि सोना कितना शुद्ध शुद्ध है। तो वो सादृश्य विधान हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तेज के निदान राम मुद्रिका विमान के दो, लक्ष्मण को बान छुट्टी रावण निशंक को। शक्ति साहस के प्रतीक हनुमान जी मानो राम द्वारा दी गई अंगूठी को ही विमान बना करके घमंडी रावण निशंक रावण, घमंडी रावण के घमंड को तोड़ने के लिए आकाश में उड़ गए हैं। गिरी गजगंड रे उड़े सुवरण, गिरी गजगंड, गिरी पर्वत रूपी हाथी, पर्वत रूपी हाथी के भू कुंभ स्थल से स्वर्णिम रंग का कोई भ्रमर, हनुमान जी जो अंगूठी पर चढ़े हैं सोने की अंगूठी पर, तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्णिम रूपी कोई भ्रमर सीता के चरण कमल, निर्मल चरण कमल रूपी शरण चरणों में शरण पाने के लिए उड़कर आकाश से चला आया है। आगे कवि कह रहे हैं कि हवाई सी छुट्टी केशवदास आसमान में कमान कैसो बोला हनुमान चले लंक को। केशवदास जी कहते हैं कि हवाई सी छुट्टी आसमान में, जैसे लग रहा है आकाश में किसी ने आतिशबाजी की हो और तोप के लाल गोले छोड़ दिए हो, ऐसे हनुमान जी प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा आभास करते हुए अति तीव्र गति से हनुमान जी लंका की ओर चल पड़ते हैं। अब विशेष के रूप में हम इसमें उल्लेख कर सकते हैं कि इस पदांश पद्य या कहें काव्यांश का जो भाषाई रूप है वो ब्रजभाषा का रूप है। इसमें उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, जहाँ जहाँ मानव शब्द आया है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की कल्पना की है।
इसी तरह से रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद पंकज गिरिगंड जैसे शब्द पदों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार आचार्य केशवदास जी ने हनुमान लंकागमन प्रसंग में हनुमान जी के शौर्य शक्ति और उनकी अद्भुत क्षमता को वर्णन करते हुए इस पद में एक तरह से हनुमान जी की महिमा को भी रेखांकित किया है। प्रसंग जो है वो तो है ही, हनुमान जी का लंका गमन सीता जी को मद्रिका पहुँचाने का, किंतु इसमें इस पद में हनुमान जी की शक्ति शौर्य और साहस का हमें पता चलता है। धन्यवाद।